Hello guys, my name is AJ and you're watching Wrestle AJ. So guys, आज हम लोग बात करने वाले हैं WWE के Hell in a Cell 2021 के इवेंट के बारे में, जो आज ही हुआ था मंडे 21 जून 2021 को, और इसके पूरे रिजल्ट्स बाहर आ गए। ये बिल्कुल बहुत शॉकिंग था, बहुत ही दम लोग को एक्सपेक्टेशन से भारी हुई इसके मैचेस देखे और बहुत सारे शॉकिंग डिसीजन देखे, जिसमें आपको जो सुपर को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो जीत के आए हैं इस पेपरव्यू में। तो इस बिना टाइम वेस्ट के हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले ही मैच के बारे में, जो था किक ऑफ शो में बिटवीन नेटालिया एंड मैंडी रोज। और ये मैच में नेटालिया ने मैंडी रोज को हरा दिया। फिर हम लोग बात करते सीधा मेन शो के बारे में। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग बात करते हैं पहले ही मैच के बारे में, जो था फॉर द स्मैकडाउन वुमेन चैंपियनशिप बिटवीन चैंपियन बियांका बेलर एंड चैलेंजर बेली इन अ हेल इन अ सेल मैच। गाइस, ये मैच बहुत ही तगड़ा था। गाइस, जोन है बहुत ही बड़े बड़े मूव्स ट्राई किए। गाइस, आपको पता है कि वो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स तो दिखते हैं इन अ सेल में, इधर हर एक ऑब्जेक्ट पे उनका मूव ट्राई किया, जैसे कि लैडर, कैंडल स्टिक और स्टील के। इस पर इतना पटका एक दूसरे को आप बोल ही नहीं सकते गाइस। लेकिन एंडिंग में क्या होता है, बियांका बेलर ने लैडर पे बेली को केओ दिया। गाइस, वो मूव देखिए कोई भी बंदा बोल सकता है कितना रिस्की है। और बियांका बेलर ने बेली को यही मूव दिया और उन्होंने 1-2-3 पिन किया बेली को, एंड बियांका बेलर इज स्टिल योर स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन। फिर गाइस, नेक्स्ट मैच की बात करते हैं, जो था बिटवीन द आर्किटेक्ट सेथ रॉलिंस एंड द स्विस सुपरमैन सेजारो। गाइस, ये मैच बहुत अच्छा रहा, दोनों के बहुत ही बड़े बड़े मूव स्ट्राइक है। लेकिन एंडिंग में हमको क्या दिखता है, सेथ रॉलिंस ने सेजारो को रोल अप के द्वारा पिन कर दिया। ये बहुत ही शॉकिंग था, क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि WWE सेथ रॉलिंस को जीतेगी, वो भी अगेंस्ट सेजारो। तो पता है WWE साल के स्टार्टिंग से सेजारो पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे, लेकिन ये मैच में सेथ रॉलिंस ने सेजारो को हरा दिया रोल अप के द्वारा और वो ये मैच जीत गया, जो बहुत ही शॉकिंग था सबके लिए। फिर गाइस, बात करते हैं नेक्स्ट मैच के बारे में, जो था बिटवीन एलेक्सा ब्लिस एंड शेना बेजलर। गाइस, ये मैच में भी दोनों अच्छे अच्छे मूव स्ट्राइक। एंडिंग में क्या होता है कि एलेक्सा ब्लिस ने नाया जैक को पोजेस कर लिया। गाइस, एलेक्सा ब्लिस जो कर रही थी वो नाया जैक्स भी कर रही थी। गाइस, एक पॉइंट तो ऐसे भी आ गया था, अभी नाया जैक्स ने रेजिनल जो उनके बॉयफ्रेंड दिखाते ऑन स्क्रीन, उन्हें उनको भी स्लैप कर लिया एलेक्सा ब्लिस की वजह से। और फिर एलेक्सा ब्लिस ने शेना बेजलर को लगाया सिस्टर एबिगेल, और फिर उन्होंने उनका फिनिशर लगाया ट्विस्टेड ब्लिस, और उन्होंने 1-2-3 शेना बेजलर को पिन किया और एलेक्सा ब्लिस ये मैच जीत गई। फिर गाइस, बात करते हैं नेक्स्ट मैच के बारे में, जो था बिटवीन केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन। गाइस, ये मैच भी बहुत अच्छा था, दोनों ने बहुत ही बड़े बड़े मूव्स परफॉर्म किए, एक दूसरे ने उनके बेस्ट मूव्स भी परफॉर्म किए। लेकिन एंडिंग में क्या होता है कि केविन ओवेंस ने सैमी ज़ेन को रिंग साइड के यहाँ पे लगाया था स्टार, लेकिन गाइस सैमी ज़ेन टाइम के अंदर ही रिंग में वापस आ जाते। फिर गाइस, हमको दिखता है वापस इन दोनों में मैच ऐसा नॉर्मल फ्लो में आ जाता है। लेकिन गाइस एंडिंग में सैमी ज़ेन ने केविन ओवेंस को लगाया हिलुआ किक और 1-2-3 सैमी ज़ेन ने हरा दिया केविन ओवेंस को। गाइस, ये बहुत ही शॉकिंग है, क्योंकि पता है WWE मोस्ट ऑफ द टाइम कभी फेस टू स्टार को क्लीन हराते हुए दिखाती नहीं है, लेकिन सैमी ज़ेन ने केविन ओवेंस को क्लीन हराया और वो ये मैच जीत गए। फिर गाइस, बात करते हैं नेक्स्ट मैच के बारे में, जो था फॉर अ रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप बिटवीन चैंपियन रिया रिपली एंड चैलेंजर शार्लेट फ्लेयर। गाइस, ये मैच भी बहुत अच्छा था, दोनों ने बहुत ही बड़े बड़े मूव्स परफॉर्म किए एक दूसरे पे और दोनों ने एक दूसरे के फिनिशर पे किक आउट किया। गाइस, शार्लेट फ्लेयर ने लगाया था नेशनल सिलेक्शन, लेकिन गाइस रिया रिपली ने दो पे किक आउट किया। फिर शार्लेट फ्लेयर ने के ऊपर रिया रिपली ने रिप्लाइड भी लगाया, लेकिन तभी भी शार्लेट फ्लेयर ने भी किक आउट किया। एंडिंग में क्या होता है, दोनों रिंग साइड का जो टेबल रहता है, जो कॉमेंटेटर्स बैठे गाइस, रिया रिपली ने जो कॉमेंटेटर डेस्क रहता है उसको उठा के शार्लेट फ्लेयर पे पटक गया। ये चीज रेफरी को देखे गुस्सा आया, क्योंकि ये डिस्क्वालिफिकेशन में आ जाता है और रेफरी ने ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन में एंड किया और उन्होंने शार्लेट फ्लेयर को विनर अनाउंस किया बाय डिस्क्वालिफिकेशन। यानी कि आप देख सकते हो कि WWE प्लान कर रही है दोनों का फ्यूड एक्सटेंड करने के लिए, क्योंकि हमको देखा एक डिस्क्वालिफिकेशन फिनिश। फिर गाइस, बात करते हैं शो के मेन हाईलाइट के बारे में, शो के मेन इवेंट के बारे में, जो था फॉर द WWE चैंपियनशिप बिटवीन चैंपियन बॉबी लैशली एंड चैलेंजर ड्रू मैकइंटायर। गाइस, सच बोलो तो गाइस ये मैच बहुत ही एंटरटेनिंग था। गाइस, दोनों ने बहुत ही ब्रूटल मूव्स परफॉर्म किए। गाइस, मैच बहुत ही टकरा था। गाइस, दोनों ने बहुत ही बड़े बड़े मूव्स, आप सोच भी नहीं सकते। गाइस, मैच में तो बीच में ऐसा ही हो गया, ड्रू मैकइंटायर ने क्लेमोर तो लगा, लेकिन गाइस जो रेफरी को ड्रू मैकइंटायर ने खुद से नॉकआउट किया था वो काउंट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से ड्रू मैकइंटायर तभी के टाइम तो मैच जीत नहीं पाया। फिर गाइस, हम लोग बाद में क्या दिखता है, बॉबी लैशली ने रिंग के बाजू में ड्रू मैकइंटायर को हॉट लॉक लगा रहे, लेकिन ड्रू मैकइंटायर को लॉक काउंटर करने के लिए बॉबी लैशली को टेबल पे पटक देते हैं। फिर से ड्रू मैकइंटायर मैच स्टार्ट करते हैं रिंग में, लेकिन क्या होता है, फिर मैकइंटायर को सिग्नेचर मूव लगाते हैं, फिर वो फिर चल के टायर कर रहे हैं, बॉबी लैशली हट जाते हैं क्लेमोर के वक्त और वो ड्रू मैकइंटायर को रिंग से ही टेबल पे पटक देते हैं। गाइस, ये मूव देख के बहुत ही डेंजरस था, यानी ब्रूटल था गाइस, क्योंकि बॉबी लैशली रिंग से ही ड्रू मैकइंटायर को पटक दिया था। लेकिन गाइस एंडिंग में क्या हो रहा है, ड्रू मैकइंटायर सब फिनिश की तैयारी
तैयारी कर रहे थे और वो क्लेमोर किक की भी तैयारी कर रहे थे। गैस वो ऑलमोस्ट क्लेमोर किक लगाने लगे थे तभी एमवीपी ने इंटरफेयर किया, उन्होंने ड्रू मैकइंटायर का पैर ही पकड़ लिया, जिसकी वजह से ड्रू मैकइंटायर क्लेमोर से रुक गए और तभी बॉबी लेचन ने फायदा उठा और उन्होंने 1-2-3 ड्रू मैकइंटायर को पिन किया रोल अप के द्वारा और उन्होंने ड्रू मैकइंटायर को हरा के ये मैच में उनकी चैंपियनशिप जीतेंगे। की गाइस इसमें एक बहुत बड़ा क्रॉस आपको पता ही होगा कि अगर से ड्रू मैकइंटायर ये मैच हारते हैं तो फिर से डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप के लिए चैलेंज नहीं कर सकते। ड्रू मैकइंटायर ये मैच में हार गए नहीं गाइस अभी फिलहाल, जब तक बॉबी लेचन चैंपियन रहेंगे ड्रू मैकइंटायर चैंपियनशिप के लिए चैलेंज नहीं कर पाएंगे, इसलिए यही फायदा था बॉबी लेचन का मैच में और उन्हें रोल अप के द्वारा ड्रू मैकइंटायर को पिन करके ये फायदा जीत लिया और अभी उनको ड्रू मैकइंटायर फिर से चैंपियनशिप के लिए चैलेंज नहीं कर सकते और बॉबी लेचन ने लीव किया हेल इन अ सेल 21 एज द डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन। और गाइज अगर सर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ये वीडियो को कीजिए लाइक और गाइज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं, जिसके वजह से आपको हमारे चैनल के रिलेटेड सब अपडेट्स सबसे पहले मिले।